आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल ऑफ हीलिंग्स विद फीलिंग्स। तो आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि होम फिजियोथेरेपी के क्या बेनिफिट्स हैं, किन केसेस में हमें होम फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए होम फिजियोथेरेपी। होम फिजियोथेरेपी अब हमें कौन से केस में करवानी चाहिए। सबसे पहले जिनको पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अधरंग, ठीक है, जैसे बॉडी का पूरा एक पार्ट ही आपका डेड हो गया, बिल्कुल भी नहीं चलता, तो इसमें आपको होम फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। क्योंकि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आते हैं, वो सबसे पहले तो पोजीशनिंग बताते हैं कि पोजीशनिंग पिल्लोस पे कैसी करनी है। इसका वीडियो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप मेरा देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली पैरालाइज के केस में उनका एक साइड बिल्कुल जैसे डेड हो गया, तो उसमें होम फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आके मोडालिटी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटर लगाते हैं, जिससे उनके जो डेड मसल्स हैं उन पे जब हम स्टिमुलेटर लगा देते हैं तो फिर उनमें कहते हैं ना जान आनी स्टार्ट हो जाती है, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, ठीक है। थर्ड ये हो जाता है कि जब आप पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आप उनके फैमिली मेम्बर को अपने पास बुला सकते हैं, तो फैमिली मेंबर आपको पेशेंट के दिनचर्या, उनका सारा जो दिनचर्या है उसके बारे में बताते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट फिर उनके दिनचर्या को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनका एक एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना देते हैं। फोर्थ ये हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऑफ कोर्स पेशेंट को नई नई फिजियोथेरेपी की चीज़ें पता लगती हैं और फिजियोथेरेपी के अपार्ट की भी चीज़ें पता लगती हैं, और वो अंदर से मोटिवेट होता है जब फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी अपने पेशेंट की टेस्टामनी बताता है कि देखिए कि मेरी अब ये पेशेंट की टेस्टामनी बनी हुई है, तो उसके अंदर जो वो एक प्रश्न पूछते हैं ना, क्या हम ठीक हो जाएंगे, तो जब फिजियोथेरेपिस्ट अपने आंसर्स बताता है, ठीक है, या जब जैसे मैंने अपने यूट्यूब पे पेशेंट्स की टेस्टमनीज भी डाली हैं जो ठीक हुए हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो वो उनको देख के पेशेंट का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है। डेली फिजियोथेरेपी ही होम फिजियोथेरेपी में काम नहीं करती है, इसमें हम पेशेंट को जो स्पेशली बेड रिडन है उसको हम फिजियोथेरेपी के अपार्ट और भी नई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, उनकी रॉड पड़ गई है, या पैरालाइज हो गया है, या घुटनों का उन्होंने ऑपरेशन कराया, तो एकदम से पेशेंट ना पैनिक हो जाता है, और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार हुआ है तो फियर की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो होम फिजियोथेरेपी में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले पेशेंट को ग्रैटिट्यूड सिखाऊं, जिसे हम बोलते हैं शुक्राना। शुक्राना में मैं सबसे पहले पेशेंट से उसकी एज ज़रूर पूछती हूँ। सपोज उसकी अगर एज 50 इयर्स है तो मैं उसको बोलती हूँ कि 50 दिन आपने हमेशा यूनिवर्स को एटलीस्ट दिन में 50 बार तो आपने थैंक यू करना ही है कि आपने मुझे 50 साल बिल्कुल ठीक रखा है। तो एक हम ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज के बारे में उनको बताते हैं। सेकेंडली जो मैं उनको बताती हूँ सेल्फ टॉक, कि उन्होंने अपने आप के साथ कैसे बात करनी है, और ये जो आपके पास टाइम पीरियड अभी आया है, आप बेड पे अगर आप आ गए हैं तो कुदरत ने आपको ये मौका दिया है कि आपका जो बॉन्ड है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ पेशेंट्स को छोटी छोटी एक्सरसाइज, जैसे अब हम हैंड ग्रिप पर एक्सरसाइज बता देते हैं, बॉल प्रेस करनी एक्सरसाइज बता देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो है मेडिटेशन, मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं ज़रूर बताती हूँ पेशेंट्स को कि वो उन्होंने करनी ही करनी है, ठीक है। खाना कैसे चार्ज करना है, उसमें गुड वाइब्रेशंस डाल दो आप, मेडिसिन लेते हो उसमें गुड वाइब्रेशंस डाल दो आप, रात को सोते हुए अपने फ़ोन रिकॉर्डर ऑन करके यूनिवर्स पे बातें करके कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गया, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ये बातें जब आप फ़ोन पे पेशेंट को रिकॉर्ड करके बताते हैं ना कि ऐसे रिकॉर्ड करके फिर आप इसको नेक्स्ट डे सुनो, तो पेशेंट का जो मोटिवेशन लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद हम अपना फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज प्लान है उसके बाद हम आते हैं। तो ये चीज़ें होम फिजियोथेरेपी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आपको अच्छा रिजल्ट आ भी जाता है। अब कई बारी नहीं भी आता, अगर नहीं आता तो उस केस में हम पेशेंट को ये मेडिटेशन, ठीक है, और सेल्फ एफर्मेशंस, ये चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ें, अपने आप के साथ बॉन्ड अच्छा बनाएं। तो ये एक होम फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना,
एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है जो मेरा पेशेंट के साथ बनता है। 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है कि अकेली फिजियोथेरेपी ही काम नहीं आती है, उसके साथ अब बहुत और चीज़ें भी ऐड कर जाते हैं। तो उसके साथ जब पेशेंट बिल्कुल मेरा ठीक हो जाता है, उसके बाद उसका वीडियो बनाना, यूट्यूब पे लेके आना, उसकी टेस्टिमनीज देनी, दैट गिव्स मी एन इमेंस एक्सपीरियंस। देखिए, जो तो बेड रिडन केस हैं, जिनका ऑपरेशन वगैरह भी हो गया है, ठीक है, वो तो होम फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएं ही बुलाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रैक्चर का आपका केस हो गया, अगर कोई लिटल फ्रैक्चर भी है, ठीक है, तब भी आप एटलीस्ट, नहीं तो डेली ना बुलाएं। अगर आपका छोटा सा भी कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर, आपका जैसे कास्ट रिमूव हो जाता है, हफ्ते में 2 दिन बुला लें, एटलीस्ट वो आपको गाइड तो कर देगा। और जब आप चल पड़ते हैं, बिल्कुल आप चल पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है अब, तो उसके बाद आप क्लिनिक पे जाएं। क्लिनिक पे आप जाते हैं तो और पेशेंट्स को आप मिलते हैं, ठीक है, तो उससे फिर आपका एक कहते हैं ना मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे कई बारी पेरेंट्स को नहीं बाहर लेके जा पाते हैं, उनका जॉब स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, या पेशेंट को कई बारी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसको लगता है कि मैं इतनी ठंड में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो उस केस में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का होना, पेशेंट का फिजियोथेरेपिस्ट का अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो पेशेंट्स मेरे ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगे, जैसे हफ्ते में आप एक बारी करा लें या 2 हफ्ते में 2 बारी करा लें, वो उनकी चॉइस पे होता है, या फिर वो अपना क्लिनिक पे ले आए। तो ये है होम फिजियोथेरेपी। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको अगर होम फिजियोथेरेपी टिप्स जो मैं शेयर कर रही हूँ अभी वीडियोस पे, जैसे मैंने आइस पैक का बताया है, वो आप वीडियो पे चेक कर सकते हैं। साइकिल की जरा जो बुजुर्गों के लिए पेडलर है, उसको आप देख सकते हैं। पेशेंट की, बुजुर्गों की जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जो बुजुर्ग बिल्कुल ठीक हैं, वो भी वो कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, और नीचे आप कमेंट सेक्शन पे मुझे और बताएं कि किस किस सेक्शंस में आपको मेरे होम फिजियोथेरेपी टिप्स चाहिए, क्या गिफ्ट हम अपने लव्ड वंस को दें। तो थैंक यू सो मच।